हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। दिस इज शुभम और आप देख रहे हैं शुभ टॉक्स। गाइस, आप लोगों के डिमांड पर हमने आज एक पीपीटी स्लाइड तैयार किया है 5 बेस्ट प्राइवेट कॉलेज का। यूपी के टॉप 5 बेस्ट प्राइवेट कॉलेज कौन कौन से हैं इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, और साथ ही साथ हम उसकी कट ऑफ क्या रहने वाले हैं और लास्ट ईयर कितना कट ऑफ रहा, इन चीज़ों पर भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा गाइस, क्योंकि हम इस चैनल पर काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो अपलोड करते रहते हैं और कॉलेज का रिव्यू भी करते रहते हैं। मोस्ट ऑफ द कॉलेज का हमने रिव्यू कर चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल में जाइए और देखिए। लेकिन शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहले हम कॉलेज के सारा लिया, एक एक कॉलेज का हम अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस रख रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन ये टॉप 5 कॉलेजेस हैं जिसका मैं हॉस्पिटल, पेशेंट फ्लो और कैंपस के अकॉर्डिंग ही आपको ये टॉप लिस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। तो गाइज, जो हमारा पहला कॉलेज है, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि गोरखपुर में सिचुएटेड है, और जो हमारा महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। मोस्ट ऑफ द कॉलेज जो है महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। तो आप जितने भी आयुर्वेदिक कॉलेजेस है यूपी के अंदर, वो सारे कॉलेज इसी महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। हालांकि ये कॉलेज इन्हीं का ही है, आयुष यूनिवर्सिटी का है, और इसका कॉलेज कैंपस मेन यूनिवर्सिटी से बहुत डिस्टेंस पर है, कम से कम 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। शुरू करते हैं। तो इस कॉलेज का जो लास्ट ईयर रैंक था 2,69,122, 2,69,122 जो मार्क्स रहा 380। हालांकि इस बार जो कट ऑफ रैंक इस बार इतना हाई गया है, तो उसके बेसिस पर हम आपको बता सकते हैं इस बार जो है जो मार्क्स रहने वाला है, जो लास्ट क्लोजिंग रैंक रहेगा, वो 450 के करीब कॉलेज अलॉट होने वाला है। तो अगर आपका स्कोर 450 के करीब है तो आप एक सेफ स्कोर में है, इस कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज, जो कि रोहिलखंड आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि इसका अपना खुद का यूनिवर्सिटी हुआ करता था, अभी भी है, और लेकिन ये कॉलेज जो है ये भी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। अब इस कॉलेज का जो रैंक है, लास्ट ईयर कितना रैंक रहा, क्लोजिंग रैंक आप देख सकते हैं यहाँ पर 673,416, जो मार्क्स रहा 197। अब हम आप बात करते हैं इस कॉलेज को इस बार कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। तो अप्रोक्सीमेट आप मान के चलिए 250+, 200 के स्कोर, 250 का स्कोर है, तो आप मान के चलिए आप एकदम सेफ जोन में है, आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं। नेक्स्ट जो कॉलेज है हमारा ईशान आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि ग्रेटर नोएडा में रीजन में सिचुएटेड है। अगर आप दिल्ली रीजन से है तो आपके लिए बेस्ट प्रेफरेंस रहने वाला है यही कॉलेज, क्योंकि ये एनसीआर रीजन से जुड़ा हुआ है, दिल्ली एनसीआर रीजन से। और इस कॉलेज का जो लास्ट ईयर रैंक था 8,80,515, और जो मार्क्स रहा 160। तो ओबियसली यहाँ पर आपको एडमिशन इस बार जो कट ऑफ रहने वाला है लास्ट ईयर की कंपेरिजन में, इस बार आपका जो स्कोर है 200 अगर होगा तो आप एक सेफ जोन में है, आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं। ये सारे टॉप कॉलेजेस हैं, हमने इन कॉलेजों को हमने एक पेशेंट फ्लो के माध्यम से, पेशेंट फ्लो कैसा है और वहाँ की स्टडी कैसी होती है, इन पर ज़्यादा फोकस किया है, इसके बेसिस पे हम आपको बता रहे हैं। और साथ ही साथ इन जो कॉलेजेस है, कुछ कॉलेजेस जो मैंने बताया आपको, ये यूनिवर्सिटी इनका खुद का अपना यूनिवर्सिटी भी है। अब हम बात करते हैं उसी के जस्ट पास में है, जो हापुड़ रीजन है, जीएच आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि हापुड़ रीजन में है। और इसका जो लास्ट ईयर रैंक था 8 लाख, क्लोजिंग रैंक जो था 8,29,677, और जो मार्क्स रहा 172। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपका स्कोर यहाँ पर भी अगर 200 के ऊपर है तो आपको यहाँ आप एकदम सेफ स्कोर है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा इस कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा हाई है, फर्स्ट ईयर में ही आपको 1 टाइम 6 लाख रुपए देना है, तो इस चीज़ को फोकस करिएगा। और अगर आपका बजट इशू है तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर 1 टाइम 6 लाख रुपए देना होगा।
अब हम नेक्स्ट कॉलेज की और बात करते हैं। हमारे पास बहुत सारे कॉलेजेस का लिस्ट था, लेकिन मैंने इस कॉलेज को चुना क्योंकि ये जो कॉलेज है विवेक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, इनका खुद का अपना इस बार MBBS कॉलेज आने वाला है और बहुत ही बड़ा कैंपस है। अच्छा खासा पेशेंट फ्लो देखने को मिला। मैं पर्सनली इस कॉलेज में विजिट करके आया तो मुझे अच्छा खासा पेशेंट देखने को मिला और बच्चों से भी अच्छा खासा रिस्पांस मिला है। और बाकी हॉस्टल चार्ज अलग है। यहाँ पर जो रैंक था लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक, ये 10,65,933 और जो मार्क्स रहा 140, यहाँ पर जस्ट क्वालिफाई मार्क्स से कुछ ही नंबर ज़्यादा चाहिए था। और इस बार जो आपको मार्क्स चाहिए लगभग 170 प्लस, अगर आपका स्कोर 170 प्लस है तो आपको यहाँ पर कॉलेज मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं। नेक्स्ट कॉलेज जो है सरदार पटेल। अगर आपका स्कोर इस बार 220 से ऊपर है तो आप एकदम सेफ स्कोर में हैं, इस बार आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। इसके साथ साथ आप गोयल को भी रख सकते हैं और उसके अलावा RGS आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है उसको भी आप प्रिफ्रेंस पर रख सकते हैं लखनऊ रीजन में। ये तीन चार कॉलेजेज हैं जो बेस्ट है वहाँ का। बाकी कई सारे कॉलेज लखनऊ में हैं जैसे श्री रामचंद्र है, जावित्री है और इसके अलावा प्रबुद्ध है, एनकेराइड है। ये सारे कॉलेजेस हैं जो लखनऊ रीजन से आउटसाइड में हैं, बहुत दूर है। तो आप इसके अलावा जो भी कॉलेज आपको चाहिए, इसके बोनस पॉइंट में कुछ और दो चार कॉलेज के नाम बता देता हूँ, जैसे कि मेजर IT सिंह है फरुखाबाद में। इन सारे कॉलेजों का जो फीस स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से इनको मैंने कई सारे कॉलेजों का फीस स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी आगे पीछे रखा है। तो गाइज यही कुछ कॉलेजेस थे जो हमने आपको बताए हैं। अगर तो गाइज ये रहा आपके लिए टॉप 5 बेस्ट प्राइवेट कॉलेज इन UP उत्तर प्रदेश। अगर आपका बजट कम है, लो बजट है, तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहने वाला है लो बजट बेस्ट प्राइवेट कॉलेज कौन कौन से है, जिसकी जिसका जो कट ऑफ भी आपका लो रहने वाला है और साथ ही साथ आपका जो बजट है वो भी आपके बजट के अकॉर्डिंग रहने वाला है। तो लगभग आपके जो फुल कोर्स रहने वाला 5.5 ईयर का, कुछ 10 लाख के अराउंड में आपका कंप्लीट होने वाला है। तो ये जो कॉलेज का लिस्ट है या PPT है, मैं कल तक तैयार करके आपको यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम टाइम टू टाइम काउंसलिंग से रिलेटेड हर तरह का अपडेट देते रहते हैं चैनल पे और मोस्ट ऑफ द कॉलेज का कॉलेज रिव्यू भी करते हैं। कई सारे कॉलेज को ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ, जाके देखिए अगर आप पहले बार आए हैं तो। और आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और आपको पेड काउंसलिंग करवाना हो तो हमारा जो टीम है आपसे बात करेगा, आपके नेट के स्कोर के बेसिस पर आपको आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग एक बेस्ट प्राइवेट या BMS प्राइवेट BMS कॉलेज एंड गवर्नमेंट BMS कॉलेज प्रोवाइड कराने वाला है। तो हमारा जो काउंसलिंग चार्ज है 1,000 रुपी, जिसमें से 500 रुपये आपको जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब देना है और जब आपका कॉलेज अलर्ट हो जाएगा तब आपको 500 रुपये देने हैं। ये हमारा वन टाइम आपका दो इंस्टॉलमेंट दे देने। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।